हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ अ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज नोन एज प्रोटोनेशन, कार्बोनेशन, कारोनेशन, कोरोनेशन एंड कैटेनेशन। देखो, बोला गया है कि प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन जो होता है, इसका मतलब हो गया कि मान लो कि कोई कार्बन है, कार्बन अपने ही एटम से बहुत लंबा चेन बना रहा है और जुड़ते ही जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? तो इस प्रॉपर्टी को कैटेनेशन के नाम से जाना जाता है। कैटेनेशन, कैटेनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है कि अपने ही एटम के साथ जुड़ जुड़कर जब तक सेटिस्फाई ना हो तब तक एक लंबा चेन बना लेता है। जैसे देख लो, कार्बन का एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। यहाँ पे C2H6, यहाँ C2H6 में कार्बन, दो ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने पर ये क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कार्बन 25, कार्बन का एक लंबा चेन भी बना सकता है, जैसे C25H52 पेंटा क्वेश्चन। यहाँ पे कार्बन का जो चेन है वो ऑलमोस्ट कितना लंबा है, 25 कार्बन कितना लंबा है? और सभी में फिर हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि कहीं पर इतना छोटा भी कार्बन का चेन बन सकता है, हो सकता है कहीं पे फॉर्मूला है CH4, तो यहाँ कार्बन का चेन ही नहीं बन रहा है, सिर्फ एक ही कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन कार्बन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता, 25 कार्बन का भी चेन बना लिया। हो सकता है कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन 100 कार्बन का भी चेन बना सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैटेनेशन। तो हम लोग को ऑप्शन में जो दिया हुआ है, पहला है प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन प्रोटोन से रिलेटेड होता है तो ये गलत है। कार्बोनेशन, ये कार्बन से रिएक्शन के फॉर्म में होता है। और कोरोनेशन, ये कोरोजन से रिलेटेड है। और कैटेनेशन, कैटेनेशन हमारा राइट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।